हेलो नमस्कार दोस्तों, पूजा कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं हरीश, आज के टॉपिक में बताएंगे दोस्तों सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल से आपको फर्स्ट इन मैथ की सर्विसेज इसमें दी गई है। क्या है, कैसे काम करती है, क्या क्या इसमें प्रोसेस है, कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्या इसमें बताया गया है, फर्स्ट इन मैथ क्या है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलते हैं, देखिए यहाँ पे सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में आने के बाद यहाँ पे टाइप करिएगा फर्स्ट इन मैथ, तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए फर्स्ट इन मैथ स्कूल एंड फर्स्ट इन मैथ ऑनलाइन प्रोग्राम, इसमें जो प्रोग्राम है इसमें बच्चे जो हैं मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बिगनर लेवल से लेकर हाई लेवल तक, एडवांस लेवल तक इसमें मैथ का प्रॉब्लम सॉल्यूशन इसमें बताया गया है। बच्चे मैथ का क्वेश्चन इसमें बहुत ही आसानी से खेलते खेलते सीख सकते हैं। बिगनर से एडवांस लेवल तक मैथ का प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो सकता है दोस्तों। करना है इसमें बहुत ही आसान तरीकों से इसमें सिखाया गया है कैसे करना है। देखिए इसका पूरा जो डिटेल्स है फर्स्ट इन मैथ का, वो पूरा डिटेल्स दिया गया है क्या है। देखिए बच्चे जो है इसमें आसानी से सीख सकते हैं ग्राफ के द्वारा, और इसमें म्यूजिक के साथ आपका मैथमेटिकल्स का प्रॉब्लम सॉल्व करवाया जाता है। देखिए 2400 करोड़ मैथ प्रॉब्लम सॉल्व टू डेट, इतना हो चुका है। देखिए ये सब तरह का है, अलजेब्रा का इस तरह से आपका बताया जाएगा, सॉल्यूशन बताया जाएगा, पूरा यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गए हैं। देखिए एडिंग करने के लिए देखिए कैसे इस तरह से ग्राफ के द्वारा आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से आपका ग्राफ के द्वारा या डिजाइन के द्वारा यहाँ पे म्यूजिक भी चलेगा, इस तरह से प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराया जाएगा, जिससे बच्चे जो हैं आसानी से मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका है। देखिए इसका कॉस्ट जो है रजिस्ट्रेशन फी 800 रुपया प्लस 18% GST लगेंगे, टोटल 944 रुपये इसका वो फी लगेंगे फर्स्ट इन मैथ का। तो देखिए इस तरह से आपको बताया जाएगा पूरा ग्राफ के द्वारा, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें बच्चे आसानी से मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो चलिए इसका प्रोसेस जानते हैं। सिंपली आपको देखिए यहाँ पे फर्स्ट इन मैथ जो ऑप्शंस है इस पे आपको क्लिक करना है, क्लिक हेयर बटन पे, या गूगल में भी टाइप कर सकते हैं फर्स्ट इन मैथ। और देखिए यहाँ पे जो वेबसाइट इसका है firstinmath.in, इस तरह से यहाँ से आप ये कर सकते हैं। देखिए खुलने के बाद देखिए इस तरह से आएगा परचेज सिंगल लाइसेंस। इसमें अगर आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन, सिंगल बच्चे का, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये करेंगे। अगर आपको मल्टीपल बच्चे का, मतलब बहुत सारे बच्चे का लाइसेंस परचेज करना है तो इस बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, चलिए चलते हैं परचेज सिंगल लाइसेंस बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका CSE VLE ID आ गया, ईमेल आईडी आ गया, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम टाइप करेंगे, सिंपली नीरज कुमार हो गया। यहाँ पे ईमेल आईडी उसका डाल दिए, उसका एड्रेस डाल देंगे, उसका सिटी डाल देंगे, स्टेट, और उनका मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे। उसके बाद रजिस्टर प्लेयर पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे 944 रुपये का सेल अमाउंट है, इतना आपको फीट पेल स्टूडेंट से लेना है, बच्चे से लेना है जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। देखिए इसमें आपका वॉलेट अमाउंट 640 रुपया ही कट रहा है, तो आपको 304 रुपया के कमीशन इसमें मिल रहा है पर स्टूडेंट, तो अच्छा कमीशन भी है दोस्तों। भीले लोग इसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करें और थी मैथ का प्रॉब्लम आसानी से इसमें बच्चे को सीख सकते हैं। तो ये हो गया, इसका फी अमाउंट इतना है। अब इसके प्रोसेस के बारे में चलते हैं। इसका इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसी तरह से हम परचेज मल्टीपल स्कूल लाइसेंस यहाँ से क्लिक करके वो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्कूल का नाम चूज करने के लिए बोल रहा है, स्कूल नेम ये हो गया बिहार का, उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखिए फर्स्ट इन मैथ ऑनलाइन प्रोग्राम में क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं वही चीज़ है, परचेज सिंगल लाइसेंस, उसी तरह से परचेज मल्टीपल स्कूल लाइसेंस। यहाँ से सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट का वो आ जाएगा, डिटेल्स आ जाएगा, वहाँ से जाके वो
आसानी से मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। यहाँ पे हमने पेमेंट सक्सेसफुली नहीं किया, इसकी वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। उसके बाद इस तरह से आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिकल का पूरा एक कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे बहुत ही प्रैक्टिकली बाय म्यूजिक के साथ और ग्राफ के द्वारा इसमें सॉल्यूशन बताया गया, जिससे बच्चे आसानी से मैथ का प्रॉब्लम सीख सकते हैं और अच्छा ज्ञान इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और सीएससी से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप उसको देख के उसमें अच्छा से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं दोस्तों।